नमस्कार दोस्तों, नवरात्र का आज तीसरा दिन है। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। देवी के तीसरे रूप को मां चंद्रघंटा कहते हैं। इनका मस्तक घंटे के आकार का अर्धचंद्र से शोभित है। 10 हाथों वाली ये माता एक हाथ में कमल, दूसरे में कमंडल, तीसरे में त्रिशूल, चौथे में गदा, पांचवे में तलवार, छठे में धनुष व सातवें में बाण हैं। शेष 3 हाथ एक हृदय पर, दूसरा आशीर्वाद मुद्रा में तथा तीसरे अभय मुद्रा में रहता है। माँ का यह स्वरूप रत्नों के आभूषणों से सुशोभित है। कंठ में सफेद पुष्प की माला धारण करे इनका वाहन बाघ है। जैसे घंटे की ध्वनि से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है, ठीक उसी प्रकार चंद्रघंटा माँ मधुर भाषी व शांत चित वाले व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। कम बोलो और मीठा बोलो, यही माँ चंद्रघंटा का ज्ञान है। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति का मणिपुर चक्र शुद्ध होता है। व्यक्ति के विचारों में उथल पुथल दूर होकर एकाग्रता की शक्ति की वृद्धि होती है। वह मैं की भावना से मुक्त होकर दूसरों के हित में कार्य करता है। माँ चंद्रघंटा को अनार व शहद चढ़ाने से व्यक्ति में आपसी विवाद व मतभेद दूर होकर संपत्ति विवाद से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति में साहस निर्बलता के साथ साथ संयम व सभ्यता आती है। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः के मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का मन नियंत्रित होकर भाग्य समृद्ध होता है। माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।